माय गॉड स्विट्सा, आपको बुखार हो गई और आपने मुझे बताया भी नहीं। रुको, मैं अभी हमारी फैमिली डॉक्टर को कॉल करती हूँ। और ना मम्मा, मुझे बहुत वीक फील हो रहा है, मैं आज स्कूल नहीं जा। अभी तुम्हें यही बोलने वाली थी। मम्मा, आज मैं ना स्कूल नहीं जा पाऊँगी, बहुत वीक फील हो है। वैसे भी तू कब स्कूल चली जाती है? सब पता है मुझे, ये ना स्कूल ना जाने का बहाना है तेरा। बेटा, मैं भी बहुत बहाने मारती थी ऐसे अपने बचपन में, अपनी माँ को मत उल्लू बना। जल्दी से जा और ड्रेस पहन, मैं तेरा लंच बॉक्स पैक कर रही हूँ स्कूल के लिए, जल्दी। वो मम्मा, मुझे ना आज बर्गर खाने का मन है, क्या मैं वो मंगवा लूँ? हाँ बेटा, आपकी जो मर्जी वो मंगवा लो। और एक बात, मैंने कभी आपको इसमें टोका है या कभी टोकूंगी? हाँ वो माँ, मुझे ना कुछ पैसे दे दो। हाँ, क्या करेगी पैसों का? मुझे अभी तक याद है, पिछले 3 महीने पहले 11 बजे सुबह 30 मिनट पर तूने मुझसे 5 रुपये मांगे थे। तूने मुझे आज तक बताया क्या किया था तूने उनका? और आज तू मुझे क्यों पैसा मांग रही है? अबे यार, इनको पैसा मांग लेती हूँ क्या? ये तो मुझे कहीं की हिस्ट्री ही सुना देते हैं। मैं कुछ नहीं करती हूँ पैसों का, बस मैं सहेलियों के साथ गोलगप्पे खाने गई थी उस 5 रुपये में। आप इतना क्यों जासूसी करते हो? आप आज बोल रहे थे ना आप खिचड़ी बनवाने वाले हो। हाँ तो उसमें ना देसी घी वाले खिचड़ी बना देना, उसमें एकदम भर भर के देसी घी डाल देना मम्मा। हाँ बेटा, खिचड़ी तो मैं बनवाने वाली हूँ, अगर कहो तो मैं उसमें जहर भी थोड़ा मिला देती हूँ, उसे खा लेना तुम। हाँ, देसी घी वाली खानी है इनको। कभी कमाया है 1 रुपया? पता है 1 रुपये का मतलब क्या होता है? हमारे ज़माने में हमारी माँ बाप हमें पूरे 4 महीने के लिए 1 पैसा देते थे। पता है कितनी मुश्किल में जी रहे थे हम? देसी घी वाले खानी है उनको। खिचड़ी में बनवा दूँगी, मगर तुम्हारी सर का भी खिचड़ी बनवा दूंगी। खिचड़ी खानी है वो भी देसी घी वाले। पानी हो गए। अरे अरे बेटा, आप ये सब क्या कर रहे हो? इस सब के लिए मैंने रामू काका को रखा है ना यहाँ पर, और अगर तुमने दोबारा इसे हाथ भी लगाया तो फिर देख लेना मैं क्या करती हूँ। मम्मा, आप देखो ना कितना गंदा हो रखा है ये मेरा रूम, इसलिए मैंने सोचा चलो थोड़ा झाड़ू ही लगवा देती हूँ। इस घर का काम नहीं करूँ मैं तो, नौकर हूँ इस घर की और किसी को। अरे अरे मम्मा, ये क्या है, अब झाड़ू क्यों फेंक रही हूँ मेरे ऊपर? क्यों झाड़ू फेंका है? तुम्हारे तो घर में क्या हो रहा है ये समझने की टाइम नहीं है तुम्हें, बस दिन भर फोन को टिपिप 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 करते रहो, और कुछ तो काम नहीं है तुम्हारा। माँ अकेली घर में काम कर रही है, उसे थोड़ी पूछ क्यों ना लो कि क्यों इतना मेहनत कर रही हो, इतना मेहनत करती है माँ? कभी तो तुमने पूछा नहीं ये सब। हाँ, अब जल्दी से उठकर झाड़ू लगवाओ पूरे घर में। सर दर्द हो रहा है, मैं जा रही हूँ सोने, और जब तक मैं उठूँ पूरा घर एकदम साफ हो जाना चाहिए। मुझे ना कभी कभी शक हो जाता है कि मैं इनकी बेटी हूँ या ये मुझे कहीं से उठा कर ले आए थे। मम्मा, आज ना मेरी फ्रेंड के घर में पार्टी है, तो क्या मैं उसमें ये वाली ड्रेस लेकर चली जाऊँ? ये चल तो जाएगा ना? वो क्या है ना, मैंने पिछले 2 साल पहले 25 मिनट सुबह 10 बजे इसे पहन लिया था, कहीं उनको याद तो नहीं होगा ना? बेटा, आप ये क्यों पहन कर जा रहे हो? आपने अभी तो खुद बोला कि आपने वो पहन लिया था, आपकी दोस्तों को याद होगा आपने वो वाला पहन लिया था। आप मुझे थोड़ी देर पहले बता देती तो मैं आपके लिए कुछ शॉपिंग ही कर लेती। अगली बार जब कहीं भी पार्टी पर जाना होगा तो मुझे उसकी 2 दिन पहले बता देना। मैं आपको बता दूंगी जब भी पार्टी होगी, मगर अभी तो मुझे इसी से ही चलाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास तो और कोई न्यू ड्रेस है ही नहीं। ओहो हो, कहाँ चली महारानी? आजकल के बच्चे तो माँ बाप से पूछते भी नहीं कि माँ मैं यहाँ जा रही हूँ, मैं यहाँ चली जाऊँ या नहीं जाऊँ। नहीं भगवान, क्या ज़माना आ गया ये। अरे नहीं मम्मा, मैं बाहर क्यों जाऊँगी? बस अपने फ्रेंड है ना जो सीमा, उसके घर आज रात को पजामा पार्टी है, तो मैं वहाँ से होकर आ जाऊँगी, तो लगभग मैं कल सुबह 10 बजे तक घर वापस आ जा। सुबह 10 बजे जानी है तुझे? तू रुक, मैं अभी आती हूँ। हाँ, जहाँ भी जा रही है अपनी सारी फ्रेंड्स का नंबर दे, उनके फैमिली वालों का नंबर दे,
और वो जहाँ पर रहते हैं उस गली का नंबर भी मुझे देकर जा। जल्दी जल्दी बोल। मुझे तो कहीं जाना ही नहीं, मैं अपने रूम में ही रहूँगी और कहीं निकलूँगी नहीं अपने रूम से। अपने रूम में ही पढ़ाई करूँगी, वहाँ पर ही मोबाइल देखूँगी, वहाँ पर ही टीवी देखूँगी, यहाँ तक कि खाना भी वहीं पर खाऊँगी।